हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड ज्योति। स्टार्ट हो चुका है नया व्लॉग। इस वाले व्लॉग में हम जाने वाले हैं प्राचीन मंदिरों में और लेने वाले हैं देवी देवताओं का आशीर्वाद। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मेहंदी का खाना बन रहा है, तो ये देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे मंदिरों की ओर। भाई साहब, ये खरगोश ला। जो खाना आज बनेगा माइक माइक। नहीं, मैं खरगोश नहीं है। चाय बना रहे हैं हम। जो जो क्या है, जो जो क्या बना रहे हो आप? हाँ, ये है मटर। मटर है? मटर, मटर पनीर। हाँ, काबली चना। काबली चना ज्यादा ना मारे। और ये अच्छा। हाँ भाई, वो किचन सामान है क्या? ये क्या होगा? ये बनेगा आपका, और कुछ बनेगा? ये मेरे को नहीं पता क्या बनाएंगे। क्या चाहिए? क्या बन रहा सर? ये बनेगी पहाड़ी राजमा। अच्छा, पहाड़ी की राजमा। हाँ, भट्टू की है। अब डाल इस तरह डालते हैं। देखो, ये हमारा पर्ची है। ये देखो, साबुत मिर्ची, साबुत आपका धनिया वगैरह, इसका हम तड़का लगा दें जाएगा। और हींग और तड़का कड़ी कड़ी बताने वाले। ये किस चीज़ के लिए है? ये मिक्स वेज के बनाए सारा। अच्छा, ये मिक्स वेज है, ठीक है। आज तो बढ़िया बना। बार नमस्ते कर लो। प्रणाम। तेरे पर प्रणाम। ये तो भाई वो बनाती है फोटो। अच्छा, कैसे आप मामा? अभी होने गया, मोटर पे आया हूं। अच्छा, कैसे मामा जी आप? हम बढ़िया हैं मामा जी। स्वास्थ्य है मामा जी? बढ़िया। तूने ले लिए फोटो दोबारा? लगे दो भाई बहनों ले लिए। बस चल। So, आज है मेहंदी का फंक्शन, तो लगभग सभी गेस्ट आ चुके हैं, तो एक बार मामा जी से और बाकी सब लोगों से मिल लेते हैं और उसके बाद चलते हैं मंदिर की ओर दर्शन के लिए। मुझे भगा देंगे अभी सब। क्या है? हम शाकाहारी लोग हैं। आपने धोखा दे दिया भैया। ये वाला मिक्स वो हमारा अज्जी भाई ने डाला। अज्जी भाई बना रहे हैं इसको। भैया जी, ये क्या बन रहा है? ये मिक्स वेज विद बटर। विद बटर? हां। मास्टर शेफ? हां। अजय मैं कैसे बोलूं, बता देना। उसमें क्या है? उसमें अपने राजमा। इसमें बन रहा है राजमा। ये भैया आप बना रहे हो? पता था क्यों नहीं है? तो आप बना रहे भैया? ये हां जी, प्रथम मरवान। ये ग्रेवी से हमारे सेब है। कहां से? ब्राजील से। वो एक बार उनका वो दिखाओ। ये है प्रथम मरवान। चलिए हम फिर आते हैं अपडेट लेने के लिए। कल ही बुलाया हमने उनको, फिर आते हैं हम अपडेट लेने के लिए। कोई बात नहीं, ठीक आते रहो। जा खाते रहो। अभी हम कहाँ जा रहे हैं मम्मी जी? मंदिर। मंदिर जा रहे हैं ना? मंदिर में क्यों जा रहे हैं? मंदिर में? मंदिर वहाँ पता क्या करने जा रहे हैं? मंदिर में जा रहे हैं हम। सिर्फ फोड़ने तेरे मुंडों का फोड़ी हुआ ही नहीं। क्यों जा रहे हैं? रघुवर पुखू जा रहे हैं। सिरपल तोड़े जाते हैं आराम से? आराम सिरपल फोड़ने फोड़ने फोड़े जाते हैं, फिर चढ़ाया जाता है, फिर खाया जाता है। हम जा रहे हैं इस वाले मंदिर में। इस मंदिर का नाम क्या है? माता का। माता का मंदिर। मंदिर ऊपर जाना है। हाँ जी, चलो। सिया राम जय जय राम।
ये है मंदिर का मेन गेट। और ये है गांव का सबसे प्राचीन मंदिर, जहां पे आप करेंगे दुर्गा माता के सुरकंडा सूरी रूप के दिव्य दर्शन। 150 साल पहले इस मंदिर की स्थापना की गई थी। बताया जाता है कि गांव इछोनी में एक समय ऐसा आया था जब यहां पर एक महामारी फैल गई थी। गांव में लोगों ने आना जाना बंद कर दिया था। जिस जगह पर आज ये मंदिर स्थित है, 150 वर्ष पहले यहाँ पे सिर्फ एक कुटिया हुआ करती थी। फिर जब गांव में महामारी हावी हो गई, उस वक्त गांव कैचू से एक पंडित जी जिनका नाम था श्री विश्वेश्वर दत्त, उन्होंने अपने कदम इस गांव में रखे और उसके बाद इस जगह पर उन्होंने माता दुर्गा की आराधना की और माता की हरियाली डाली, और हरियाली पड़ने के बाद गांव स्वस्थ और खुशहाली से भर गया। माता की कृपा से आज तक ही गांव खुशहाल है। तब से आज तक चैत्र माह में हर वर्ष यहां माता की हरियाली डाली जाती है। नवरात्र में माता का जागरण भव्य तरीके से किया जाता है। उसके बाद 2002 में गांव वालों ने मिलकर इस मंदिर का भव्य निर्माण किया। गांव में होने वाले शुभ कामों से पहले माता का आशीर्वाद लिया जाता है, उनके नाम की चुनरी और श्रीफल उनको भेंट किया जाता है। और ये है माता रानी का प्रसाद। प्रसाद मान मंदिर आ रखे हैं। कौन से मंदिर आए हैं? माता रानी के मंदिर में आ रखे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए? यहाँ पे हम थोड़ा पूजा पाठ कर रहे हैं और सिरपल फोड़ रहे हैं। इसके बाद कौन से मंदिर जाएंगे हम? इसके बाद भैरव देवता के मंदिर जाएंगे और नागरजा देवता के मंदिर जाएंगे। अच्छा, आप पहले गए हैं इन मंदिरों में? हाँ, बहुत बार गए हैं। गए? आप बहुत सुंदर लग रहे हो आज। थैंक यू। तो इस प्रसाद के रूप में हमको मिला माता का आशीर्वाद। बहुत ही सुंदर और अच्छे दर्शन हुए माता के। तो आपके कैसे दर्शन हुए, आपको कैसा लगा ये मंदिर, आपको कॉमेंट सेक्शन में जय माता दी का जयकारा जरूर लगाना है। आप कौन से मंदिर जा रहे हैं? मेरे को नहीं पता बेटा, इनके गांव का है। कौन सा मंदिर जा रहे हैं भाई? इसी गांव के भैरव बाबा के मंदिर जा रहे होंगे। नेक्स्ट हम कौन से मंदिर जा रहे हैं? भैरव बाबा के मंदिर। माता रानी के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। सब्जी की क्यारियां, ये सारी सब्जियां हैं। इस रास्ते पे आई हूँ मैं शायद। मेरी कंडाली जो मैं तुझे टच कराती रुक जा। बोल दिया क्या बोल दिया ना? बस काट लिया इधर। मंदिर जाने का रास्ता कुछ इस तरीके से है। पहुंचने वाले हैं? आउच, बच गई हो गया। आराम से करा। कौन है कड़ी पता? इतना प्यारा है। थोड़ा टाइम पास रोक दी। वो मंदिर है ये मंदिर, ये रहा मंदिर। ये भैरव बाबा का मंदिर है ना? भैरव बाबा। और दी चढ़ाई करके कैसे लग रहा है? सही लग रहा है। लग तो नहीं रहा शक्ल से। सांस फूल रहा है बहुत ज्यादा। सांस फूल रहा है। आज आपका 1-2 किलो कम हो जाएगा। ये सब आ नहीं रहे थे मंदिर,
लेकिन मैंने जबरदस्ती ले आई कि अकेले हम ही सिर्फ क्यों चढ़ाई करें, इनको भी दर्शन कराते हैं। जय माता दी, नाम बोलते बोलते बस चलते रहो। जय माता दी। नेक्स्ट अब हम करेंगे भैरव बाबा के दर्शन। ये भगवान शिव के काल भैरव अवतार का मंदिर है। गांव वालों की इन भगवान के प्रति एक खास मान्यता है। भैरव देवता भी माता दुर्गा के ही साथी हैं। इस मंदिर की स्थापना पूरे गांव वालों ने अपने अमूल्य योगदान देकर 35 वर्ष पहले की थी। तो जल्दी से चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको कराते हैं भैरव बाबा के दिव्य दर्शन। ये सारी पलटन आ रही है मंदिर में। पहली बारी आई। जय भैरव बाबा। भैरव बाबा की जय। भैरव बाबा की जय। दरबार की जय। साथ ही कहा जाता है कि ये गांव की रक्षा करने और उनके दुख विपदाओं में उनका साथ देने वाले भैरव देवता हैं। इस वजह से इन्हें भी माता दुर्गा की तरह खुश रखने के लिए हर 3 साल में इनको झंडी, श्रीफल और एक भेड़ भेंट किया जाता है, जिसमें पूरा गांव शामिल रहता है। साथ ही ये गांव के मुख्य देवता हैं, जो अभी के समय में हमारे मौसा जी, जिन्हें आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं, उन पर अवतरित होते हैं। माता की हरियाली के वक्त चैत्र माह के नवरात्रि में माता दुर्गा और भगवान भैरव को गढ़वाली परंपरा अनुसार इन्हें खुश रखने के लिए इन्हें मंडान ढोल दमाओं पे अवतरित करके नचाया जाता है। गांव में शादी, मुंडन जैसे शुभ कामों से पहले परिवार वाले इनकी पूजा करते हैं और इनको श्रीफल चढ़ाते हैं, जैसे कि हम चढ़ा रहे हैं। ये आपने किए भैरव बाबा के बहुत ही सुंदर दर्शन। और भैरव बाबा सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, सब पे अपनी कृपा बरसाए रखे। तो जय हो भैरव बाबा की। मौसा जी, अब हम किस मंदिर में जा रहे हैं? अब तो यहाँ पे जाएंगे हम उच्च बगोड़ी वाला जित बगडवाल। जित बगडवाल। सो नेक्स्ट हम चले जीतू बगड़वाल मंदिर। इस मंदिर की अपनी एक खास व्याख्या है। 120 वर्ष पहले की बात है, जीतू बगड़वाल नाम के एक व्यक्ति अपने गांव ऊंची बगोड़ी में अपने खेत में बैलों को लेकर रुपाई करने के लिए गए थे। लेकिन उनके साथ अचानक एक आकस्मिक घटना घट गई। कहा जाता है कि उनको देव परियों ने उनके बैलों सहित खेत से ही विलुप्त कर दिया। उसके बाद जब गांव वालों को पता चला कि उनके साथ भी धन सिंह रति देवता जैसी घटना हुई थी, तो फिर गांव वालों ने उनको भी देवता रूप मानकर उनका मंदिर उसी जगह खेत में स्थापित कर दिया। फिर उन्हें जीतू बगड़वाल नाम से जाना जाने लगा। ऊंची बगोड़ी गांव से 3 परिवार इछोनी गांव में रहते हैं, तो उन्होंने अपने इष्ट देवता जीतू बगड़वाल को इस स्थान पर इछोनी गांव में उनकी पूजा अर्चना करने के लिए स्थापित कर दिया। इसीलिए आज इछोनी गांव के लोग भी अपने इष्ट देवताओं की पूजा करने के साथ अपने शुभ कार्यों से पहले इन्हें भी श्रीफल चढ़ाते हैं और अपने शुभ कार्यों के अच्छे से संपन्न होने की कृपा मांगते हैं। हाँ 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 खाद दी। अच्छा।
हेली ये फोन लगा बना गीत गाओ ना बोले हाँ रुशी आराम से आरुषि यहाँ के रास्ते थोड़ा सेफली चलना पड़ता है देख देख के जरा सा पैर फिसला क्योंकि ये इसको क्या कहते हैं ये जो फिसलन वाला है पिल्टा पेटू जो भी बोलते हैं तो इससे ना पैर फिसलता है थोड़ा सा ग्रिप बना के चलना पड़ता है चिकना होता है ये हाँ नेक्स्ट है वो वाला मंदिर आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा छोटी सी झलक नेक्स्ट हम वहाँ पे जा रहे हैं मम्मी गाना गा दो ना थोड़ा सा मौसम अच्छा हो रहा है इतना भगवान का कोई भजन भजन गा दो ना कोई हाथ में गड़ब गंगा जल पानी पानी स्नान कराने बेल नयो रोखना मैं चलू तेरे नाल झंडा मैं चुखना मैं चलू तेरे नाल झंडा मैं नेक्स्ट हम आ गए जटाधारी भैरव देवता के मंदिर में जटाधारी भैरव शिव के ही रूप को कहा जाता है इस मंदिर को गांव वालों के योगदान से बनवाया गया सभी देवी देवताओं की तरह इस मंदिर में पूजा करके श्रीफल इत्यादि भेंट दिया जाता है तो यहां पे आपने किए बहुत ही सुंदर दर्शन भैरव देवता के बस शादी भी हमें इन मंदिरों में लोग आते होंगे ना डेली तो दर्शन करना इतना ऊपर पॉसिबल कितने साल पुराना मंदिर होगा ये मौसा जी ये तो नया है नया मंदिर है पुराना वो है इससे जो पिछले में गए थे हम वो सबसे पहले में ना हाँ जी वो तो हम भी नहीं थे हमारे ताऊ जी भी नहीं थे पिताजी भी नहीं थे उससे उस टाइम का मंदिर है हाँ उस टाइम का मंदिर है मतलब बहुत सालों पहले स्थापित किया पुराना है वो बहुत पुराना है हाँ जी ये देखो एक छोटी सी बच्ची कैसे चल रही है ये पहाड़ पे और इसे डर भी नहीं लग रहा तो यूं किए हमने सभी देवी देवताओं के दर्शन उन्हें श्रीफल चढ़ाया उनका आशीर्वाद लिया और आप सबको भी बहुत ही सुंदर दर्शन कराए आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है ये बंदर आ चुके हैं यहाँ पे ये हम पे हमला कर रहे हैं मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं क्या करूँ
मेरी भाई भाई साहब बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पे, भागो भागो भागो, बारिश आ चुकी है। सो बारिश हो चुकी है स्टार्ट, तो हम जल्दी से जाते हैं घर। आज रात है मेहंदी, तो ऑलमोस्ट डेकोरेशन हो चुका होगा, तो हमें जाके जल्दी से बस तैयार होना है और बहुत सारा धमाल और मस्ती डांस आप आने वाले व्लॉग में देखने वाले हैं। तो अगले व्लॉग को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना। और ये वाला व्लॉग आपको कैसा लगा, आपको दर्शन कैसे हुए देवी देवताओं के, आपको कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।